अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू रुकी व्लॉग्स। वो इसके पीछे म्यूजिक बैकग्राउंड चलाया हुआ मेरे। तो जहाँ सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब, जो इस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो रुकी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आप लोगों को वीडियो भी टाइम से मिलती रहे। सो ये जनाब, आज आपको मेरे गले में इंची टेप नजर आ रहा होगा, वो क्यों, वो इसलिए कि मैं कर रही थी सिलाई, क्योंकि आपको पता है ईद सर पे है और मैं सिलाई करती हूँ और मैं करती रहती हूँ। लेकिन आजकल मसला पता है क्या है, मुझसे स्टिचिंग हो नहीं रही, मेरी ना बैकबोन है बहुत पेन हो रहा है, और गर्मी की वजह से कहीं जाना वो दिल ही नहीं करता। मतलब आप हाल देखिए, क्योंकि बुलाए और किसी अगर मजबूरन जाना भी पड़े तो वो भी जाने को दिल नहीं करता, इतनी शदीद गर्मी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गर्मी पूरे दो हफ्ते से पड़ी थी ना, आज मुनासिब थी ना, वही आज मुनासिब थी ना, गर्मी इतनी शदीद नहीं थी। आज 34 था टेम्परेचर, तो 34 भी इनफ होता ही नहीं, सोचा हमने कितनी गर्मी बर्दाश्त की, हमें 34 ही बड़ा मुनासिब लगा। और धूप ऐसी चमकती भी होती है कि अल्लाह ताला ने लगता है अपने सारे बल्ब रोशन कर दिए और स्पॉट लाइट जमीन है बड़ी इतका आगे। सूरज निमका मैं सवाने से बाद में होगा, सवाने से थोड़ा सा ऊपर में अभी से चला जाता हूँ। तो ये हिसाब किताब है। खैर जी, आज मैं घरेलू सिलाई आज कर रही, मैं रोज ही घरेलू सिलाई। कल मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं कल बहुत बिजी थी, कल डल भी थी, डल ऐसी थी कि बोरियत हो रही थी, काम नहीं हो रहा था, तबीयत थोड़ी डल सी थी गर्मी की वजह से। आपको पता है हर इंसान ही बड़ा परेशान हुआ होता है। खाना वाना हम जल्दी जल्दी दोपहर में ही कर लेते हैं क्योंकि रात में आपको पता है सुकून का टाइम होता है, सब घर आ जाते हैं। किचन को अगर आप लोग जला जला के आग रखोगे तो फिर किचन के वो कहते हैं ना, हीट पूरे घर में आ जाती है। तो सारे काम हम सुबह ही अपने सारे काम से माइंड करके मैं फिर। तो जी जनाब, मैं अभी इतनी देर थोड़ी सी मैंने चिप्स खाई, तो वही से पबजी खेल रहा हो ना, तो कोई काम बंदा दुनिया की बात नहीं कर सकता। आज मैंने कहा कुछ बातें आप लोगों से करते हैं। मोबाइल को क्या हो गया? मैंने सोचा आज सिर्फ आप लोगों से बातें करते हैं। डेली तो मैं इधर उधर की चीजें दिखाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, लेकिन आज सिर्फ बातें, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। लोग दुख सुख करते हैं, मैं भी दुख सुख कर लेती हूँ यहाँ पे। नहीं दुख नहीं, यहाँ पे दुख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब खाते हैं पीते हैं, अपने घर के अंदर हैं, सुखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ का आराम है, कोई मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का बहुत एहसान है। बस यार रिश्तों की कदर होनी चाहिए ज़िंदगी में, जो बचे कुछ रिश्ते रह गए उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे पास अम्मी अबू नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत कीमती रिश्ते हैं ज़िंदगी के जो हमने खो दिए। और ये रिश्ते देखें, रिश्तों से भी ना ज़िंदगी में रंग होते हैं, लेकिन वो रिश्ते जो वाकई ज़िंदगी में रंग भरने वाले हों। कुछ रिश्ते बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, मतलब वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे चालें चलना, किसी को टीज करना, तंग करना, उनकी उनका मकसद यही होता है, अपने अपनों अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलना। तो ऐसे रिश्ते यार, मतलब अल्लाह ताला ना ऐसे रिश्तों से बचाए और दूर करे। हाँ, लेकिन जो प्यारे रिश्ते हैं, कीमती रिश्ते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हमारा दिल चाहता है हम उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं उनसे इंसान ना बड़ा फेड अप हो जाता है। अगर हमें कोई कहता है कि नहीं अब वो अब बात रिश्तों से मजबूरी में रहना पड़ता है, ये भी होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं समझती हूँ कि आपके पास ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल हैं कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप दूसरों की ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी के लिए जहर घोल। सो गाइस, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी एंड स्टे हैप्पी, यानी खुश रहें, खुश रखें और खुश रहने दीजिए। मतलब आप लोग ज़िंदगी में खुश रहें, आप लोग ऐसे दूर लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएँ, या टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल दें, दूर, जो आपकी ज़िंदगी, आपके घर का, आपके सुकून बर्बाद करें, आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करें। और जो अच्छे रिश्ते हैं आपकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनको टाइम दें, उनकी इज्जत करें और उनको बहुत प्यार दें। जैसे हमारे पास हैं, हमारे पास ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, बस अनफॉर्चुनेटली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। मतलब मैंने ज़िंदगी में दोस्तों को बहुत ज़्यादा देखा, लेकिन दोस्त मिले, लेकिन जस्ट वो एक जब एक रास्ते तक वो सफ़र था, बस वो उसमें थे, उसके बाद वो नहीं रहे आपके साथ।
दोस्त वो होता है जो एनी टाइम आप जिसे एनी टाइम कॉल कर सकें, दोस्त वो होता है जो आप जिसे एनी टाइम अपनी मुसीबत शेयर कर सकें, आप जिसे अपनी प्रॉब्लम कह सकें और उसका सलूशन उसके पास हो और वो आपके उस दुख को बांट ले, ऐसे दोस्त होते हैं। खैर इस मामले में बड़ी मैं वो रही है, लेकिन रिश्ते कुछ अच्छे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे हैं जिनकी मुझे कदर भी है और मैं चाहती हूँ मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक चीज है कि मुझे अपनी जिंदगी का सुकून ही बहुत अजीज है। तो ये सब चीजें थी और इतनी गर्मी में सबका दिमाग वैसे ही खराब हुआ था, ऐसे लोगों से भी दूर रहे। लेकिन अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं होता, गर्मी है ठीक है भाई क्या करें, ऐसी है क्या जितना बहुत ख्याल रखें। बता आज मुझे आपसे तीन सी बातें करनी थी और कभी इंशाल्लाह कुछ करेंगे नया। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, स्टे ट्यून्ड विद रुकी व्लॉग्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा।